क्षत्रियों के हाथ निहत्थों के खूनों से रंगे जाते हैं, उन्हीं क्षत्रियों के पेट उन भोली बाली और भगवान की प्रकृति के रचे उन प्राणियों से भरे जाते हैं। इससे बड़ा पाप हम क्या ले नहीं सकते, इससे बड़ा पाप क्या ले रहे हैं अपन। ये सब आपकी बात नहीं है, ये आपके इतिहास को बदलने के लिए, आपकी संस्कृति को तोड़ने के लिए मुगलों ने जो आक्रमण करके आपको नष्ट करने का जो एक सौगात दी, आपको भेंट दी, गिफ्ट दी, आज उसको अपन एक भाषा में राक्षसी भोजन भी कहते हैं। एक भाषा में राक्षसी भोजन कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं, परंतु अब उसका नाम बदल दिया, राठौड़ी खानो भी कहने लग गया। बीजोड़ा ने हंगा ना बरी कर दिया, भाटियों ने होडो ना, पर राठौड़ा गले घात ही दियो के राठौड़ी खानो है, वो राक्षसों का खाना। आपकी मति मारी कैसी जाए, आपको मलिन कैसे किया जाए, इनको राक्षस बना दो, मांस खाना सिखा दो, ये लड़ने लायक नहीं रहेंगे और फिर आक्रमण करेंगे, ये हमारी औलादे बन करके हमारे साथ में खड़ी रही। यही आप इतिहास उठा के देखोगे, यदि हिंदुस्तान टूटा है, हिंदू संस्कृति टूटी है, अबलाओं पर जो कोई हुआ है, जजिया कर लगा है, अकबर जोधा हुआ हो, चाहे कोई भी हो, जिस दिन राजपूत ने अपना धर्म छोड़ा उस दिन हिंदू संस्कृति टूटी और राष्ट्र धर्म नीचे गया है, और जिस राजपूत ने अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने का प्रण रखा था वो सच्चा राजपूत रहा, उस दिन हिंदू संस्कृति बची है। आज भी ऐसे सच्चे राजपूतों की जरूरत है, आज भी हिंदू संस्कृति देखती है, ब्राह्मण देखते हैं, संत देखते हैं, सभी देखते हैं। गांव की छोटी सी बात हो, कोई राजपूत खड़ा हो तो छत्तीस कौम राजपूत के साथ खड़ने में विश्वास रखती थी, पर आज नहीं रखती। आज तो कहते ये बना है, बना मतलब अकल बना, अकल है ही नहीं इन बनाओ रे गोडी, क्यों नहीं है। बुद्धि लुपतियम यद मत अधिकारी उच्चते, जिसको बुद्धि बाहर निकालनी है वो दारू को अंदर डाल दो, बस दिमाग निकल जाएगा अपने आप। ये दो काम आप बखूबी बड़ी शान और शौकत से करते हो, एक मांस खाना और एक दारू पीना, तब आप पूर्ण राजपूत माने जाते हो। जब तक आप मांस नहीं खाते हो और जब तक दारू नहीं पीते हो, तब तो कहते थे कि ब्राह्मण भी जाओगे, ब्राह्मण ने घर पैदा हुआ होगी। ये ब्राह्मण की बात नहीं है, असली क्षत्रिय वही होता है जिसका बुद्धि पवित्र हो, जिसका खान पान पवित्र हो, वो असली क्षत्रिय है। जिसके हाथ किसी की हत्या के लिए उठते हो वो असली क्षत्रिय है। आप कल्पना कीजिए, अब कहां से लाएं असली क्षत्रिय, कैसे बनाएं असली क्षत्रिय, कैसे मार पड़ी आपके ऊपर। एक बात कहना चाहता हूं सज्जनों, बुरा मत मानना, आप मेरे हो मैं आपका हूं, क्योंकि मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूं, ये जाति बंधन में विश्वास नहीं रखता हूं कि मैं राजपूत के घर पैदा हुआ, ये मेरा प्रारब्ध था, परंतु मैं एक सन्यासी के रूप में हूं, इसलिए पूर्ण हिंदू संस्कृति की बात करूंगा। सभी समाज मेरे समाज है, समाज आप मेरे हो मैं आपका हूं, ना किसी एरिया से बंधा हुआ हूं, ना किसी जिले से बंधा हुआ हूं, ना किसी जात से बंधा हुआ हूं, मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूं, आप मेरे भक्त हो। मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि आप लोग कितनी बिना मति की बात करते हो, बुरा मत मानना इस बात को। एक आदरणीय राम सिंह जी और सम्मानित मन से भी निवेदन सुन तो रहे हैं, फिर भी उनके नाम से संबोधन करके कहना चाहता हूं, मांस तीन प्रकार से मिलता है मार्केट में, मांस तीन प्रकार से मिलता है, एक झटके का मांस, एक हलाल किया हुआ मांस और एक अपने आप मरा हुआ पशु मांस। तीनों ही मांस की श्रेणी में आते, आते कि नहीं आते हैं, अपने आप मरता है अथवा झटके से मारते हो अथवा हलाल करके मारते हो, जब तक उसके अंदर प्राण है तब तक तो वो है, प्राण के बाद वो मिट्टी, तीनों एक जैसी होती है, होती कि नहीं होती बोलो। कोई भी ढूंढी उठाए थे घरेला इन पका इनको नहीं खाओला, परंतु झटके रो कीड़ो बड़ा शान और शौकतों खाओला, फर्क क्या आप बताओ मुझे। वो भी ढूंढी, वो भी ढूंढी, ढूंढी वो भी ढूंढी कहलाई जाएगी, परंतु आपने भ्रम में रख करके आपको कि वो तो झटके रो है, ढूंढी कौन लावे घरे, ढूंढी तो बगी उठाए, वो भी ढूंढी वो भी ढूंढी है। और बहुत मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राजपूतों के जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, राम सिंह जी, आदरणीय राम सिंह जी सम्मानित मंच, जिस पर गर्व है कि यहाँ राजपूतों के बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल के अंदर, उस मैनेजमेंट कमेटी ने एक निर्णय लिया, आपको सुनाना चाहूंगा। बोले मार्केट में मांस बहुत सस्ता मिलता है और एक महंगा मिलता है, सस्ता कौन सा मिलता है, महंगा कौन सा मिलता है, कि झटके का मांस महंगा मिलता है और हलाल किया हुआ मांस 50 रुपए सस्ता मिलता है, और उस हॉस्टल में सप्ताह में दो दिन बच्चों को मांस खिलाया जाता है, तो क्या क्यों ना अपन हलाल किया हुआ ही मांस लाकर के इन बच्चों को खिला दें जिसे 50 रुपए सस्ता आएगा। ये है आज के राजपूत,
ये हैं आज के राजपूत। कैसे कैसे आपको राक्षस बनाकर के प्रस्तुत कर दिया। क्या आपका रूप था, क्या आपकी शान थी, क्या आपके अंदर स्वाभिमान था। घास की रोटी खाने के लिए तैयार थे, परंतु सोनों के थालों में खाने के लिए आपके बच्चे तैयार नहीं हुए थे। वही राजपूत आज छात्रावासों में पढ़ने वाले बच्चे हलाल किया हुआ मांस खाने के लिए तड़फ रहे हैं। होटलों में, बड़ी बड़ी सेमिनारों में जाकर के आप जो मांस भक्षण करते हो, पता है वो किसका मांस है, कैसा मांस है? गाय का मांस है, हलाल किया हुआ मांस है। कभी आपने विचार किया है आपका धर्म किस प्रकार से नष्ट हो गया है? जिस जीवन के अंदर से धर्म निकल जाता है, सब निकल जाता है। दुनिया को देखो, समाजों को देखो, जिस समाज ने धर्म को आगे रखा वो सदा आगे बढ़ा है, और जिस समाज ने धर्म को पीछे रखा वो खड्डे में गया है। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम लोग धर्म को निकाल करके स्वार्थ को पहले रखते हैं, इसलिए हमारी बर्बादी हो रही है। हम जीवन में धर्म को महत्व नहीं समझते। नम गायत्री से लेना देना, गायत्री तो ब्राह्मणों का काम है, जनेऊ तो ब्राह्मणों का काम है। अरे ये शुद्ध खाना पीना तो ब्राह्मणों का काम है, हम तो राजपूत है, राठौड़ी खाना खाएंगे। वही हमारी मति मारी गई, वही हम नीचे आ गए। आप इस धरातल पर जाकर के सोचो, आज दुनिया के अंदर आप ही नहीं हो मांस खाने वाले। 9 अरब की जनसंख्या इस दुनिया की, उसमें से 80% लोग मांस खाते हैं, 80% मांस खाते हैं। और ये लोग, आप तर्क दोगे, महाराज आप मांस के लिए हमें कहते हो, दुनिया के 80% लोग मांस खाते हैं फिर भी मस्त रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको मैं उत्तर देना चाहता हूं। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि जीवो जीवस्य भक्षणम, जीव जीव का भक्षण करते कोई पाप नहीं लगता, उनको मैं एक उत्तर देना चाहता हूं। मित्रों, पहला तो उदाहरण ये है कि मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। कैसे नहीं है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए है, जो भी नास्तिक रूप में तार्किक लोग, जो तर्क पर आधार पर आप बैठे सुनना चाहते हो, जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए हैं, वो सबसे सबके सब प्राणी जन्म के समय आंखें बंद पैदा होते हैं। आप एक एक को देख लीजिए, कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली, गीदड़, शियार, जितने भी मांसाहारी प्राणी है, वो सबके सब आंखें बंद पैदा होते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी है, वो चाहे हाथी से लेकर के बकरी तक, घोड़ा, ऊंट, मनुष्य, सबके सब जन्म के समय आंखें खुली पैदा होते कि नहीं होते, आप बताओ, होते कि नहीं होते हैं? ये पहला फर्क है। कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने आपको मांस खाने के लिए नहीं बनाया। दूसरा उदाहरण, जितने भी मांसाहारी प्राणी है, वो सबके सब तीखे दांत लेके पैदा होते हैं, तीखे दांत होते हैं उनके। और जितने शाकाहारी प्राणी है, उनके किसी के तीखे दांत नहीं होते। जितने मांसाहारी प्राणी, उन सबके नाखून भी तीखे होते हैं। कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली, सबके तीखे नाखून होंगे। और जितने भी शाकाहारी है, आपके मेरे देख लो, चपटे हैं, घोड़े के चपटे, ऊंट के चपटे, बकरी के चपटे, भेड़ के चपटे, जितने शाकाहारी प्राणी हैं सबके सबके नाखून चपटे होंगे। और जितने मांसाहारी प्राणी हैं, वे सब जीभ से पानी पीते हैं, जीभ से, लकल आपने देखा होगा ना, जीभ से पानी पीते। और जितने शाकाहारी प्राणी है, सब होठों से पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी है, उनकी सबकी जठराग्नि अलग है, वो सीधा मांस अंदर पचा सकते हैं। और आप और हम, आप लोग, जो लोग मांस खाते हैं, वे लोग सीधा मांस खा नहीं सकते, मर जाओगे, आपको कोई न कोई संसाधन लेना पड़ता है। इसलिए कुदरत ने, प्रकृति ने आपको मांस खाने के लिए बनाया भी नहीं, फिर भी आप उस जमात में जा रहे हो, थोड़ा विचार करो। और दूसरा, पाप कैसा करते हो आप, आडंबर, धोखा आपके साथ बोल, मैं आपको दोष नहीं देना चाहता हूं, आपके साथ छलावा किया गया, आपकी संस्कृति को तोड़ने के लिए, आपके धर्म को नष्ट करने के लिए आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। और तो और, आपके देवी देवताओं को नहीं छोड़ा। अब आपको यदि इस रस्ते पर लाना था तो जोग माया को बकरा चढ़ाओ, भैरू जी ने बकरो चढ़ाओ, भौमिया जी ने बकरो चढ़ाओ, उन्नी आड़ में थोने मांस खोलाने उत्तरी को ढूंढियो। अब मेरी भी देवी कुल देवी है, मेरी देवी कुल देवी नागणीचियां है, हिंगलाज माता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं स्वरूप नारियल, जिन्हें अभी लीलो नारियल कहा, स्वरूप नारियल ले जान माता जी रे चरण में राख, और मैं वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूं जो आप बकरे को चढ़ा के नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं आप लोग भी स्वरूप नारियल को चढ़ा करके मां का आशीर्वाद ले नहीं सकते क्या? परंतु आपके साथ धर्म को किस प्रकार से घुसेड़ करके आपके जीवन को नष्ट कैसे किया जाए, ये विदेशियों की चाल थी, और उसमें आप और हम सब बर्बाद हो गए। कल्पना कीजिए, माता जी के मंदिर की प्रतिष्ठा